नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ दोस्तों, लाखों में एक। इस उपाय को यदि आप इस चीज से आप कितने ही तरीके के उपाय कर सकते हैं। साधारण लाइफ में भी यदि आप इस चीज का जितना ज्यादा यूज करते हैं, अपने साथ में रखते हैं, लाइफ उतनी ही ज्यादा सिक्योर होती है, सुख और समृद्धि से भरपूर होती है। जो जानकारी मैं आपको देने के लिए जा रही हूँ, यदि अच्छी लग जाए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। मुझसे बात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसी नंबर को डायल करें जो चालू वीडियो में फ्लैश हो रहा है। जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट ले रखा है और नंबर नहीं लग रहा है, थोड़ा पेशेंस रखें। जैसे जैसे लोगों से बातें होती जाएगी, आपका नंबर आता रहेगा। दोस्तों, मैं जिस चीज की बात कर रही हूँ वो चीज है गुंजा। गुंजा अलग अलग कलर्स में आती है, ब्लैक कलर में आती है, व्हाइट कलर में आती है, ऑरेंज कलर में आती है, रेड कलर में आती है। ये बहुत ही रहस्यमय चीज है गुंजा, बिल्कुल जीवंत चीज है। ये मैं आपसे कहूं तो गलत नहीं होगा। गुंजा जिसको गुजराती में चौड़ोठी कहा जाता है। कई जो हमारे गुजराती भाई बहन है वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं, मैडम तमे आओ बोलो, आओ बधू लखो, अने अमने काई खबर नहीं पड़ती। गुंजा मतलब चणोठी, चणोठी मतलब गुंजा। ये बहुत ही लाइव चीज है, बहुत ही लाइव चीज है। आप गुंजा को अपने हाथ में रखो और गुंजा को जो शब्द आपको बोलने हैं, जिस चीज से आपको अभिमंत्रित करनी है, उस चीज से, उन शब्दों से आप उसे अभिमंत्रित करें। नींबू के अंदर आप उसको गाड़ दें और जहां जिस उद्देश्य से आप उसको भेजेंगे, गुंजा वो काम करके आती है। ये इतनी पावरफुल चीज है गुंजा दोस्तों। यदि सही मंत्रों से अभिमंत्रित की जाए और आप उसको अभिमंत्रित करके अमुक स्थान में रख दें, आप उसको ऑर्डर करें जहां उसको आपको भेजना है, गुंजा आपके नजरों के सामने से अदृश्य होगी। जब गुंजा अपना काम कर लेगी तो आपके सामने हाजिर हो जाएगी, उसी जगह पर आपको रखी हुई मिलेगी जहां आपने उसको रखा था। ये इतनी पावरफुल चीज है। आपने यदि गुंजा को धारण कर रखा है, गुंजा की माला पहन रखी है, तो वो माला यदि आपने किसी को पहना दी तो वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। गुंजा आपके पास रखी है और आप यदि शत्रुओं से घिरे हुए हैं, आपका बुरा समय आने वाला है, गुंजा तुरंत काले कलर की हो जाएगी, अपना कलर बदलने लग जाएगी। जिनकी लाइफ में बहुत ज्यादा अशांति है, ऐसे लोग सफेद गुंजा की माला धारण करें, सफेद गुंजा का ब्रेसलेट धारण करें, हमेशा सफेद गुंजा जेब में रखें। जिंदगी में शांति ही शांति हो जाएगी। लाल गुंजा यदि आप अपने पर्स में रखते हैं तो कभी भी आपके पर्स में कोई टोना टोटका तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा। दूसरा, हमेशा पर्स आपका पैसों से भरा रहेगा, कभी भी पर्स खाली नहीं होगा। आप करोड़पति हो ना हो लेकिन पर्स खाली नहीं होगा। यदि आप किसी व्यक्ति को अपने वश में करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति के नाम के जितने अक्षर है उतने गुंजाएं ले, उस व्यक्ति का नाम बोले उतनी बार, उन गुंजाओं को आप ऑर्डर करें कि आपको मेरे पास आना है, और उन गुंजाओं को आप शहद की डिबिया में डालकर उसको बराबर अच्छे से पैक करके कहीं भी छुपा दे कीजिए। आप देखेंगे सामने वाला व्यक्ति अनायास ही आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाएगा। मंगलवार के दिन दोस्तों यदि आप अपने घर में गुंजा लेकर के आते हैं तो ये गुंजा आपके शत्रुओं का नाश करती है, आपके अंदर के शौर्य बल को बढ़ाती है। यदि आप नौ गुंजा एक लाल कपड़े में बांध करके उसकी पुड़िया बना करके अपनी चौखट पर टांग देते हैं ऊपर, तो शत्रु हमेशा आपसे दबा रहेगा, आपके घर में अचानक कभी भी कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी।
बड़े बड़े संकटों से गुंजा आपकी रक्षा करती है। यदि आप शत्रुओं के बीच आपका जाना जरूरी हो गया है कि नहीं मुझे तो इन लोगों से आज मिलना ही पड़ेगा, आपको मालूम है कि आपके शत्रु हैं, आपके विरोधी हैं, तो हमेशा गुंजा मुंह में रख करके जाए। ये गुंजा शत्रुओं से आपकी रक्षा करती है। आप कहीं पुलिस केस में फंस गए हैं, कहीं निर्दोष तरीके से आपको फंसाया जा रहा है, आप पर कोई लांछन लग रहे हैं बार बार, तो गुंजा मुंह में रख करके सामने वाले से बात करें। गुंजा आपके मुंह में रहेगी, आपकी चारों तरफ विजय ही विजय होगी। गुंजा को, लाल गुंजा को मंगलवार के दिन जेब में रख करके आपको जहां भी जाना है, जिस भी काम से जाना है, आप निकले और देखिए आपको कितने जबरदस्त होता करके देखिए। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।